हेलो स्टूडेंट, आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में ये मानव एवं स्वास्थ्य रोग का पहला आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था। आज मैं आपको बी पार्ट में उसी क्वेश्चन का जो अधूरा था उसको कंप्लीट करवाऊंगी। दूसरे पार्ट में आपको रोगों के प्रकार पढ़ने हैं, ठीक है। इतना आंसर लिखने के बाद आप इस वाले आंसर को कॉपी करेंगे। रोगों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिसीज, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हमने स्वास्थ्य एवं रोग ये दोनों की परिभाषा दी थी। स्वास्थ्य बताया था आपको और रोग बताया था। रोग में डायग्राम भी दिया था, रोग कितने प्रकार के होंगे, किस तरीके से होंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट में आपको रोग के प्रकार पढ़ने हैं। रोग के प्रकार में मानव में होने वाले रोग को दो भागों में बांटा गया है। दो तरीके के रोग होते हैं मानव में, एक तो जन्मजात रोग, दूसरा उपार्जित रोग। जन्मजात रोग को कॉन्गलिजियल डिसीज कहेंगे और उपार्जित डिसीज को आप एक्वायर्ड डिसीज कहेंगे। पहली हेडिंग में जन्मजात रोग, ये रोग मानव में जन्म से ही होते हैं, निम्नलिखित कारणों से हो सकते हैं। इसे जीन में परिवर्तन कारण ये रोग हो सकते हैं, या गुणसूत्री असमानताओं के द्वारा, गुणसूत्र में अगर कोई डिस्टर्बेंस है तो ये रोग हो सकते हैं। तीसरा वातावरणीय कारकों के द्वारा, वातावरणीय कारकों के द्वारा भी ये रोग हो सकते हैं। अब जीन में होने वाले उत्परिवर्तन कारण होने वाले रोग, एल्केप्टोनीरिया एक रोग ये होता है जो वंशागत होता है या अनुवांशिक होता है, जो अगर माता पिता को है तो वो बच्चों में भी ट्रांसफर होगा। दूसरा रोग हीमोफीलिया है, ठीक है। एल्केप्टोनीरिया ये रोग वंशागत रोग है, इसमें क्या होता है, टायरोसिन नामक एक अम्ल होता है वो मूत्र के साथ बाहर आने लगता है, मूत्र जब भी हवा के संपर्क में होता है तो काला पड़ जाता है, और ऐसे व्यक्तियों में अर्थराइटिस की शिकायत या जिसको हम कहते हैं गठिया रोग की शिकायत हो जाती है। हीमोफीलिया में अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उनमें फैक्टर 8 प्रेजेंट नहीं होता है और उनमें रक्तस्राव बराबर होता रहता है और खून का बहना बंद नहीं होता है, रोगी के अंत में मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। ये भी अनुवांशिक रोग है। गुणसूत्री असमान द्वारा होने वाले रोगों में डाउन सिंड्रोम, लैंगडन डाउन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस रोग की खोज की थी। गुणसूत्रों में 21वें जोड़े में गुणसूत्रों में व्यतिक्रम होता है या डिस्टर्बेंस होता है, जिससे गुणसूत्र जो ह्यूमन बॉडी में 46 या 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो 46 की जगह 47 हो जाते हैं। ऐसे टर्नन सिंड्रोम, ये भी आपका गुणसूत्री असमानताओं का होने वाला रोग है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है, 46 के स्थान पर 45 क्रोमोसोम हो जाते हैं और ये अधिकतर महिलाओं में पाया जाता है, ठीक है। ऐसी महिलाओं में अंडाशय का विकास नहीं होता है और ये भी गुणसूत्री व्यतिक्रम का होने वाला रोग है। तीसरा वातावरणीय कारकों के द्वारा होने वाला रोग, वातावरणीय कारकों के द्वारा कटा हुआ ऊंट, कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जिसका ऊंट कटा हुआ हो, तालू सही ना हो, ठीक है, तो ऐसे रोग को हम वातावरणीय कारकों के द्वारा, ठीक है, मेंशन कर सकते हैं। जन्मजात रोग में आपको ये तीन कारण देने हैं, तीन कारण में आपको एग्जांपल देना है तो आप दे सकते हो, नहीं तो ये कारण डाल दूंगा। उपार्जित रोग जो जन्म के साथ ना हो और जन्म के बाद किसी भी कारण से हो सकते हैं, इसकी परिभाषा देखिए आप लोग, ये रोग जन्म से नहीं होते किंतु जन्म के बाद किसी भी कारण से ये उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसे रोगों को हम क्या कहेंगे, उपार्जित रोग। उपार्जित मतलब उत्पन्न होने वाले, जो जन्म के बाद किसी भी फैक्टर के द्वारा ये अफेक्टेड हो सकते हैं। उपार्जित रोगों को इन दो श्रेणियों में बांटा गया है। अब देखो, आपको पिछला क्वेश्चन याद होगा जिसमें हमने रोगों में आपसे क्वेश्चन में आपके संक्रामक और असंक्रामक रोग क्या होते हैं वो आपको बताया था। तो देखो, संक्रामक और असंक्रामक रोग इसी में आपको पढ़ना है, तो ये पूरे क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। जैसे हमने ये आपको लिखवाया था, संक्रामक असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हो, प्रत्येक के दो दो उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। तो ये उसी का आंसर है, ऐसा क्वेश्चन यूपी बोर्ड 14 में आपसे पूछा गया था। आंसर राइटिंग में आपको 100 शब्द से कम नहीं लिखना है, 120-130 शब्द आपके होंगे, ये 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसी अनुसार आपको ये मेंशन करना है, ठीक है। नंबर 5 यहाँ पे करी कर रहे हैं, नंबर, ठीक है, 5 नंबर में आपको इस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करके यूपी बोर्ड की कॉपी में 12th में आपको डालने हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, आपको उपार्जित रोग, ये रोग जन्म से ही नहीं होते किंतु जन्म के बाद किसी भी कारण से उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। उपार्जित रोग दो प्रकार के होते हैं, पहला संक्रामक और संचरणी रोग, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे इन्फेक्शियस डिजीज। आप बोर्ड में सिर्फ एक आप मीनिंग डाल सकते हो, या तो हिंदी लिखो या फिर इंग्लिश लिखो, और इंग्लिश आपको अच्छा लगता है तो अगले आप इंग्लिश मेंशन कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश अगर आप डालोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपका। इन्फेक्शियस डिजीज, ये रोग जो प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, कवक द्वारा फैलते हैं, ठीक है। ये किसी भी माध्यम से, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा या कवक, जो भी सूक्ष्म जीव हैं ये सारे, इनके माध्यम से रोग फैलते हैं, ऐसे रोगों को हम संक्रामक रोग की श्रेणी में रखते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए आप लोग, चेचक, जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं, ठीक है, और ये जानते हो अगर एक व्यक्ति को चेचक होता है तो आसपास जितने भी टच में व्यक्ति आते हैं सारों को चेचक हो सकता है, चिकन पॉक्स। दांत आपने देखा होगा वर्षात में, ये दांत खाज खुजली, ये कवक के द्वारा होने वाला रोग है, ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। तो देखो, ये भी इन्फेक्शियस डिसीज है, अगर ये व्यक्ति को होगा, उसको संपर्क में बहुत है तो ये यूज करता है, उसके बिस्तर यूज करता है तो उस व्यक्ति में ट्रांसफर होता है। इन्फ्लुएंजा, इसको जुकाम कहते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। खसरा, ये भी वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, ये भी आपका रोग है जो संक्रामक रोग है। ये सारे रोग आपके एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से टच करने से फैलते हैं, संपर्क में आने से। दूसरी श्रेणी असंक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिसीज का दूसरा अपोजिट है असंक्रामक रोग, ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। बेरोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं और रोगी तक ही सीमित रहते हैं, ऐसे हम रोग को असंक्रामक रोग की श्रेणी में डाल सकते हैं। जैसे किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं तो ये कोई भी संपर्क में व्यक्ति आएगा उसको ये क्या इन्फेक्टेड नहीं करेंगे। हृदय रोग, ठीक है, किसी को अगर हार्ट की शिकायत है तो जो भी संपर्क में व्यक्ति आएगा उसको ये ट्रांसफर रोग नहीं होगा। मधुमेह, डायबिटीज, ये भी अगर एक व्यक्ति को है और उसके संपर्क में आता है तो उसको भी ट्रांस नहीं होगा, ठीक है। वेरी वेरी रोग, विटामिन बी कमी से होता है, ये भी रोग ट्रांसफर नहीं होगा। कैंसर, अगर एक व्यक्ति को है उसके संपर्क में वो आता है तो कैंसर भी ट्रांसफर होने वाला रोग नहीं है। ऐसे रोगों को हम असंक्रामक रोग की श्रेणी में जाने। प्रतिवर्जक रोग, प्रतिवर्जक कहते हैं एलर्जी, और किसी व्यक्ति को किस चीज से एलर्जी है तो दूसरे व्यक्ति में वो ट्रांसफर नहीं होगी। एड्स,
एड्स आप जानते हैं यौन संचारित रोग है, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर संपर्क लैंगिक संपर्क न बनाए तो ये ट्रांसफर नहीं होगी, छूने से, ठीक है, या टच करने से या किसी भी माध्यम से ट्रांसफर नहीं होगी जब तक कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इसके साथ न हुआ है। जब दो व्यक्ति सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होंगे तभी ये रोग दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होगा। इतने रोगों को आप असंक्रमण रोग में डाल सकते हो। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था दो दो उदाहरण देखा, मैंने दो दो की जगह कई सारे इस पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को दो दो करके या चार जो भी आपको याद रहे वो याद रखोगे। कौन से जो रोग हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलेंगे उनको अलग याद रखोगे, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे आधारित है, आपको ये सारे रोग अलग अलग क्वेश्चन में पढ़ने हैं। और असंक्रमण रोग कौन कौन से रोग आएंगे जो दूसरे को टच करने से या फिर प्रत्यक्ष माध्यम से नहीं फैलते हैं, वो आपको ये यहाँ पे मेंशन करने और याद रखना, क्योंकि पूरे चैप्टर में आपको रोग ही पढ़ने हैं, कौन से संक्रामक रोग कौन से असंक्रामक रोग, ये आपको ध्यान रखना है और उसमें आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। अब देखो इसी के आधार पर जो मैंने नोट्स बनाए हैं आपके, इसी के आधार पर कैसे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन ये दो पूछे जाते हैं वो भी मैंने लिखे हैं। आप इसी नोट से वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन एक एक नंबर के मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन वो, और दो दो नंबर के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न जो शॉर्ट आंसर होते हैं, और चौथा क्वेश्चन जो आपका शॉर्ट आंसर में रहता है तीन तीन नंबर का जिसमें 35 शब्द लिखने होते हैं। मैंने सिलेबस आपको पहले टाइम समझाया था किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मैंने पूरा पैराग्राफ बना के आपको सब बताया था, आपको अगर याद होगा तो इस तरीके से मैंने ये बताया था आपको। जो बहुविकल्पी प्रश्नों के वो चार नंबर के आते हैं एक एक नंबर, ये भी इसी नोट से फंसेंगे आपके। अति लघु उत्तरी वेरी शॉर्ट रहते हैं जिसमें एक शब्द या एक लाइन लिखनी होती है वो पांच नंबर के आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न पांच अंक के जो आपके दो दो नंबर के हों जिसमें 10 आपके नंबर के प्रश्न रहेंगे, फिर लघु उत्तरीय दूसरे टाइप के तीन अंक के रहेंगे जो 12 क्वेश्चन आएंगे 36 नंबर के रहेंगे, और विस्तृत उत्तरीय प्लस पांच नंबर। तो मैं सारे आपको लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाऊंगी, लॉन्ग क्वेश्चन में ही आपके तीन नंबर के फंसेंगे, दो नंबर के एक नंबर के अति लघु उत्तरीय वाला एक नंबर होगी। सारा आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन याद करने से आपके पूरे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, इस तरीके से आपको वीडियो में ये सारे नोट्स पढ़ेंगे। अब देखिए आप लोग, हमने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किए, आज मैंने आपके लिए मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन तैयार किए, आप इन्हें देख के खुद ही उसमें आप टिक करेंगे। पहला मल्टीपल चॉइस का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जन्मजात रोग है, मैंने जन्मजात और आपका ये उपार्जित रोग दोनों आपको पढ़ाए, आपने एक पढ़ा हुआ है, आप पीछे आंसर करिए। निम्नलिखित में से जन्मजात रोग है पहला एनकैप्टोनिरिया, मलेरिया, एड्स, हेपेटाइटिस। तो आपने जन्मजात रोग में कौन सा रोग पढ़ा था पीछे देखिए, क्या पढ़ा था आपने जन्मजात रोग में, आंसर देखिए। वो रोग जन्म से ही होते हैं उनमें जीनी उत्परिवर्तन द्वारा, एनकैप्टोनिरिया, हीमोफीलिया, गुणसूत्री वृक्क द्वारा, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, वातावरणीकरण को कटा हुआ हूं और तारू। इसमें से आप जीनी परिवर्तन द्वारा एनकैप्टोनिरिया देखो दिया गया, तो कौन सा सही होगा आपका एनकैप्टोनिरिया, ठीक है। मलेरिया एक दूसरे से टच करने से फैलते हैं, ठीक है, एड्स भी और हेपेटाइटिस भी। दूसरा देखिए गुणसूत्री असमानता द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ए सभी। तो आपने गुणसूत्री विकृति के कारण होने वाले रोगों से आपने डाउन सिंड्रोम पढ़ा, टर्नर सिंड्रोम पढ़ा, इसी में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, ठीक है, वो यहाँ पे ज्यादा एग्जाम्पल देने क्योंकि दो दो एग्जाम्पल पूछे गए, मैं दोनों ही दिए हैं। जब अगले चैप्टर में इन रोगों को पढ़ाऊंगी तो आपको सारे विस्तार से बताऊंगी। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तीनों सिंड्रोमों में गुणसूत्रों में विक्रम होता है, गुणसूत्र जो जोड़े में पाए जाएंगे, ये किसमें जोड़े गुणसूत्र में डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 के स्थान पर 43 हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाएगी, ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्लाइनफेल्टर वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो ये सारे रोग आपके गुणसूत्र में असमानता का कारण होने वाले रोग हैं, तो कौन सा सही होगा, ये सही। संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग में देखिए खसरा, कुष्ठ, कैंसर, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं लेकिन अभी निशान लगा लो, बाद में नोट्स पढ़ाऊंगे तो आप उसको देख लेना। दूसरा कुष्ठ रोग, खसरा रोग, वर्णांता, खसरा, कुष्ठ रोग और एल्विनेज, ठीक है। तो इसमें से आपका खसरा और कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग तो मैंने पीछे आपको बताया और खसरा भी बताया, देखिए खसरा और कुष्ठ रोग ये लिखा हुआ है, ठीक है, कैसे रोग है संक्रामक, तो संक्रामक रोग लिखा हुआ है, कुष्ठ रोग और खसरा, ठीक है। कैंसर वाला तो देखो नीचे हमने आपको पढ़ाया, जो आपका ट्रांसमिटेड नहीं होगा टच करने से, वर्णांता ये भी ट्रांसमिटेड नहीं होगा क्योंकि ये भी अनुवांशिक रोग है, ठीक है। कुष्ठ रोग एल्विनेट, देखो कुष्ठ आया लेकिन एल्विन नहीं आया क्योंकि एल्विन में भी आपके अनुवांशिक रोग है, ये भी ट्रांसफर हो सकता। तो देखो ये तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, ये पढ़ाया क्या, तो खसरा और कुष्ठ रोग आपका ये आंसर सही होगा। वो है जीव जो पौधों जंतु में रोग उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं, रोगजनक, पैथोजन, वाहक, ठीक, कीट, उपकृमि, तो क्या कहलाएंगे, रोगजनक, जो रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है रोगजनक। इंग्लिश में कहते हैं पैथोजन, क्या कहते हैं, पैथोजन, ठीक है। अब देखिए ये आपको चारों इतने एक क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है, एक क्वेश्चन में ये सारे आपके मेडिकल चॉइस के आपके कंप्लीट। आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए जो एक एक नंबर के आपको यहाँ पे मैंने बताया था किस तरीके का आपका आता है, देखो ये मल्टीपल चॉइस का मैंने कराया इसी नोट से कराया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए एक एक नंबर के, पांच नंबर के आएंगे आप, इसी आपके ये वाले क्वेश्चन में आपको इसी से आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, इसी से आपको दो नंबर के मिलेंगे, इसी से आपको तीन नंबर के मिलेंगे, मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन आप मेरा तैयार करोगे इससे आपके सारे नोट्स तैयार हो जाएंगे, आपको कोई भी अलग से दो नंबर का और तीन नंबर का, एक नंबर कुछ पढ़ने के लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, बोर्ड में आया हुआ है, मैंने संडे डाला हुआ है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर एक, वंशागत और संक्रामक रोग में अंतर एक एक वाक्य में लिखिए, यूपी बोर्ड 8 और 7 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, एक नंबर। तो वंशागत रोग कौन होते हैं, जो वंश से ट्रांसफर होते हैं मतलब अनुवंशिक रोग होते हैं, या जन्मजात रोग होते हैं, देखो मैंने यह भी डाल दिया बीच में क्योंकि जन्मजात और वंशागत आप कंफ्यूजन हो इसलिए आप इसको देख सकते हो, वंशागत रोग भी वही होता है और जन्मजात रोग भी वही होता है, दोनों की एक ही परिभाषा होती है। तो कौन से, यह जीन मैंने आपको आगे पढ़ाया, देखो यह जीन के माध्यम से
गुणसूत्र के माध्यम से, वातावरणीकरणों के माध्यम से, ट्रांसफर से, इन्हीं को हम जनजात रोग कहते हैं, इन्हीं को हम वंशगत रोग कहते हैं। ठीक है, ऐसे आप इसको लिख सकते हो जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, वंशगत रोग। ठीक है, जो अनुवंशिक होते हैं माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। तो देखिए आप, यह जीन या गुणसूत्र में विकृति के कारण उत्पन्न होते हैं तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगत होते हैं। अगर माता पिता इनमें से किसी भी रोग से ग्रसित हैं तो निश्चित बात है उनके बच्चों में ये रोग ट्रांसफर होंगे। तो एक नंबर में हमें एक लाइन की परिभाषा लिखनी होती है या एक शब्द लिखना होता है, तो मैंने एक लाइन की परिभाषा लिखी, यह जीन या गुणसूत्र में विकृति या व्यतिक्रम लिख सकते हो या आप गड़बड़ी लिख सकते हो, जो भी आपको शब्द सही लिखे, विकृति के कारण उत्पन्न होते हैं तथा एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में वंशगत होते हैं। ठीक है, ऐसे रोगों के वंशगत रोग या जन्मजात रोग कहते हैं, या आप इनको ये भी कह सकते हो आनुवंशिक रोग, ये भी उसी का शब्द है, बोर्ड में कैसे भी पूछा जा सकता है आनुवंशिक रोग। ठीक, या तो वो आपसे अनुवंशिक है, जन्मजात का है, या वंशगत का, एक ही बात होती है। आप उदाहरण में आप देख लीजिए, हीमोफीलिया अगर माता पिता को है तो उनके बच्चों में जाएगा। दात्र कोष का रक्त, दात कोष का रक्त, ये दूसरा नाम होता है सिकल सेल एनीमिया, ये आपकी सेकंड यूनिट है, उसमें मैं आपको इसको अच्छे से पूरा विस्तार से पढ़ाऊंगी। अभी आप एग्जांपल देख लीजिए, दात कोष का रक्तता या हसियाकार रोधराणु, इसमें जो भी आपके रोधराणु या रेड ब्लड सेल्स होंगी वो आपकी हसी के आकार की हो जाएंगे और ब्लड नहीं बनेगा। ठीक है, ये रोग अगर माता पिता में तो बच्चों में ट्रांसफर होगा। डाउन सिंड्रोम मैंने आपको बताया है, ये लंदन वैज्ञानिक थे, और गुणसूत्र में विकृति का 21वें जोड़ा जो गुणसूत्र होगा आपका, कौन सा 21वें जोड़ा वाला गुणसूत्र जो होगा उसमें ये डिस्टर्बेंस के कारण ये रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, और गुणसूत्र इसमें 46 के स्थान पर ठीक है, ये कितने हो जाएंगे 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ठीक, तो ये जब गुणसूत्र में व्यतिक्रम होगा तो निश्चित बात है व्यक्ति गुणसूत्र के व्यतिक्रम के कारण नॉर्मल नहीं होगा। आई होप आपको वीडियो और नोट सब समझ में आए होंगे, और मैं आशा करती हूँ कि आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। आप जितना मैं वीडियो डेली बनाती हूँ उतना आप कॉपी पर लिखते जाएंगे, तो ये आपके लिए जो भी इस साल बच्चे पेपर देना चाहते हैं यूपी बोर्ड में 23 में, ठीक है, उनके लिए तो ये अच्छा है ही। और 2024 में जो बच्चे देंगे वो अभी से अगर बनाना शुरू कर दें, मैं पूरे नोट्स पेपर करा के आप लोगों को दूंगी। ठीक है, आपको सारा मैटर फंसेगा। ठीक है, आपको बस अपनी कॉपी पर डेली इसको नोट डाउन करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।